नमस्कार, आप सभी दर्शकों का घर संसार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि अब तक तो आप लोगों का होली का रंग छूट ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम अपने कार्यक्रम में रंगों का ही सिलसिला जारी रखेंगे। भारतवर्ष में ये देखा जाता है कि जब लड़कियां घर में पैदा होती हैं तो उन्हें शुरू से ही इस माहौल में पाला जाता है कि आप थोड़ा धीरे बोलिए, अगले घर जाना है। उसे जब थोड़ी बड़ी होती है तो माँ के साथ घर के कामों में उसे हेल्प करने के लिए कहा जाता है, और किशोरावस्था तक आते आते तो उसके विभिन्न प्रकार की हॉबी क्लासेस उसको ज्वाइन करा दी जाती हैं, जिससे वो ससुराल में जाकर अपनी निपुणता दिखा सके। परंतु कुछ स्त्रियां तो शादी के बाद घर गृहस्थी के कामों में, जिम्मेदारियों में इस कदर फंस जाती हैं कि वे सब शौक भूल जाती हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने इस शौक को बरकरार रखती हैं और उसे आगे तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती हैं। आज हमारे स्टूडियो में हम एक ऐसी ही सफल गृहिणी से मिलवाएंगे आपको, जो एक सफल गृहिणी होने के साथ साथ एक प्रतिभाशाली पेंटर भी हैं। साधना जी, आपका इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मेरे घर में मेरे हस्बैंड के अलावा मेरी दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी क्लास 10th में है, छोटी 7th में है, और हमारा यही छोटा सा परिवार है। तो आप हमें ये बताइए, जैसे अब आपकी बेटी 10th में आ गई है, पढ़ाई का भी इतना जोर रहता है, घर की भी संपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती हैं, फिर आप इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? देखिए, घर तो पहली प्राथमिकता होती है हर गृहिणी की, लेकिन थोड़ा सा समय चुराना पड़ता है इसके लिए। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं, या मैं खुद बहुत मूडी हूँ, मुझे कभी लगता है कि अगर मुझे टेंशन हो रहा है, किसी बात का तनाव है, तो मैं पेंटिंग और ब्रश लेके बैठ जाती हूँ, जो मुझे लगता है मेरा सारा तनाव दूर हो गया। तो ये तो आपका बहुत ही अच्छा शौक हुआ, जिससे आप बिल्कुल रिलीफ हो जाती हैं टेंशन से। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी पेंटिंग्स, जैसे आपने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई हैं, क्या ये सिर्फ आपका शौक है या आपने इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली हुई है? देखिए, इसका शौक तो बचपन से था। मुझे लगता है कि कला को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर जन्मजात हो वो शौक, तो वो काफ़ी हद तक बाद में निखर सकता है फॉर्मल ट्रेनिंग से। बचपन में तो सिर्फ मेरी मदर मेरी प्रेरणा रही हैं, और उन्होंने मुझे ब्रश उठाना चलाना सिखाया। मेरे फादर ने बहुत मोटिवेट किया कि आगे चल के कोई कंपटीशन होता था तो मुझे भेजना चाहते थे, लेकिन फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने बहुत बाद में जाके ली। मुझे मौका मिला एक साल UK में रहने का, वहाँ पे मैंने 3 कोर्सेस किए पेंटिंग के, और मुझे वहाँ की यूरोपियन पेंटिंग्स की तकनीक सीखने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, और जो मैं मानती हूँ कि मेरे इस कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तभी हम आपकी पेंटिंग्स में देख रहे हैं कि एक यूरोपियन टच काफी है, जैसे ये हम पीछे ये पेंटिंग पीछे देख रहे हैं, ये आपके जस्ट ये पीछे बहुत ही खूबसूरत ये पेंटिंग है जी। और हम साधना जी, ये पेंटिंग हमें बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर रही है, क्या आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? दिस ये वाली पेंटिंग, ये पेंटिंग एक्चुअली इसमें ये हाथ बना हुआ है, दो फिगर्स बनी हुई है, तो इसके बनाने के लिए आपके मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? ये मैंने एक सृष्टि को अपने ध्यान में रख के लिया कि आप देखिए, नीचे जो आपको राउंड सर्कल दिख रहा है वो अर्थ है, पृथ्वी। अच्छा। और पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में दो फिगर्स मैंने दिखाए हैं, और इसके ऊपर आपको एक हाथ दिख रहा होगा, जिसमें कि आप बहुत अगर माइन्यूटली देखें तो इसमें हमारे 5 सेंसेस हैं। अच्छा। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, और बने हुए हैं 5 सेंसेस। हाँ जी, तो आप किस तरह अपने मन को वश में रख के, ये तो एक हाथ एक पपेट की तरह है जो आपको नचा रहा है, किस तरह आप अपनी इसको मुट्ठी बंद करके संयम में रख के आप अपने को संयम में रख सकते हैं और अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन तो चंचल है, भागेगा इधर उधर, और ये इंद्रियां आपको नचाएंगी, लेकिन आप अपने को कंट्रोल में किस तरह रखें, अपने मन को संयम में रखें, इस पेंटिंग में मैंने ये दिखाया है। ये तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, और इसके पीछे तो बहुत ही अच्छे भाव बने हुए हैं। एक साधना जी, हमें उस पेंटिंग के बारे में भी आप थोड़ा बताइए, वो बड़ी प्राचीन समय से लग रही है जैसे पहले हुआ करता था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। इस तरह की लग रही है,
क्यों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कोई गहराइयों में जाके बनाया है। मुझे बस ऐसा लगा कि कुछ ग्रामीण महिलाएं जो कि शायद शाम हो गई है, चिराग जल गए हैं और अपने पति का इंतज़ार कर रही हैं, और ये इसका मैंने टाइटल रखा है प्रतीक्षा। बहुत ही खूबसूरत है, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी आपकी ये पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत लगी होंगी। साधना जी, ये बताइए कि आप कला के क्षेत्र में किसी विशेष से बहुत ही प्रभावित है क्या? जैसे कला के एक क्षेत्र आइडल होता है, क्या हाँ। आप किसी से प्रभावित होकर अपनी कला को आगे बढ़ा रही हैं? हाँ, मुझे लगता है मैं वैसे तो अपने इंडियन कलाकार भी कम नहीं आर्टिस्ट, लेकिन मैं यूरोपियन पेंटर से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता है वो जो रेनेसां पीरियड था उसमें बहुत महान कलाकार पैदा हुए, जैसे माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने मोनालिसा दा विंची की ही पेंटिंग है पेरिस के लूव म्यूज़ियम में, कितने अच्छे भाव दर्शाए हैं उन्होंने। आप देखिए, आँखों में मोनालिसा की उदासी है और फेस पे स्माइल है, जो एक दर्द बताती है कि वॉर के बाद किस तरह की व्यंग्यात्मक मुस्कान है ये, या बहुत दुख वाली है। एक उसने बहुत अच्छे भाव दर्शाए हैं। इसी तरह माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी में चर्च में कुछ पेंटिंग्स सीलिंग वॉल पे बनाई हैं, सीलिंग पे बनाई हैं। बहुत डिटेल्स में वो गए हैं, बहुत कला की बारीकियों को उन्होंने दर्शाया है, जो मैं सोचती हूँ कि बहुत कला की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं। आपकी बातों से ऐसे लगता है कि जैसे इस शौक को आपने काफी, इस शौक पर काफी अध्ययन भी किया है। ठीक है, नहीं रेनू जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। मैं अपने भारतीय कलाकारों के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जो हमारे इंडियन पेंटर्स हैं उसमें डॉक्टर राजा रवि वर्मा और पृथ्वी सोनी की पेंटिंग मुझे विशेष रूप से पसंद है। क्या आपने उनसे प्रभावित होकर भी कोई पेंटिंग्स की हैं? पेंटिंग्स तो मुझे लगता है कि हमेशा अपनी ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके जो अपने भाव निकलते हैं और आपकी भावना, जिन भावनाओं में आप बहते हैं, लेकिन हाँ किसी किसी का स्टाइल बहुत पसंद आ जाता है। अच्छा साधना जी, ये बताइए, जैसे आपने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स लगाई हैं तो अवश्य ही आपको इनके लिए कभी कोई मेडल्स या अवार्ड्स भी मिले होंगे, या आपने कभी कोई इनकी कला प्रदर्शनी भी लगाई है? मेडल्स अवार्ड्स तो मुझे काफ़ी मिले हैं बचपन से, काफ़ी मैंने ऑल इंडिया लेवल पे और बाहर भी पार्टिसिपेट किया, तो मुझे मतलब मिल गया, कुछ ना कुछ अच्छा पुरस्कार मिला। तो आप साधना जी, एग्जीबिशन के लिए भी मैं प्लान कर रही थी कि मेरी पेंटिंग का संग्रह अब काफ़ी अच्छा हो गया है, और मैं सोच रही हूँ किसी अच्छी आर्ट गैलरी में, जहाँ पे मुझे मतलब कद्रदान हो, जहाँ पे लोग, वहाँ पे मैं अपनी एग्जीबिशन लगाऊं। और अंत में साधना जी, ये आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर इंसान में कोई ना कोई कला होती है, और इस कला को अपने जीवन का अंग बनाइए, इससे महिलाओं में, ख़ास तौर से महिलाओं में बहुत आत्मविश्वास आता है। तो बस मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगी, अपनी छुपी कला को उभारिए, घर बैठ के ही पूरा समय मत बिता दीजिए। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, नमस्कार।
अपने कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वर्किंग क्लास लोगों की। ज़्यादातर वर्किंग क्लास लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को ना होने की वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।